हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत धूल हो रही है इसलिए आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा और थोड़ा कैमरा भी साफ नहीं है शायद। तो आज हम जाने वाले हैं पुलिस लाइन यहाँ के। तो पुलिस लाइन इसलिए क्योंकि हमें कैंटीन से सामान लेना है, तो पुलिस लाइन ज़्यादा पास पड़ता है कैंटीन के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी पुलिस लाइन का पूरा व्यू दिखाऊंगी। मैं एक्चुअली यहाँ पे आ गई हूँ पूछने के लिए कि सामान आया है या नहीं, तो उन्होंने बोला सामान आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी को लेने जाऊँगी, फिर आपसे दोबारा मिलूँगी। तो हम आ गए कैंटीन। हाँ, ये टिफिन, ये छोटा वाला चाहिए था मुझे, पर ये बहुत बड़ा, इतना कौन ले जाएगा। बैग शूज। गाइस, हम आ गए हैं घर और हमने टोटल मिला के 7,500 की शॉपिंग करी। मतलब कैंटीन से बहुत महंगा है यार, इतना भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो हमारी आर्मी की कैंटीन होती है। तो 7,500, बाप रे। पहले तो हम सोच रहे थे कि चलो 3-4 में आएगा करके, फिर देखा तो 7,500, वो भी कैंटीन से। पहुँच गई मैं घर, शाम हो गई है, दिन भी ढलने ही वाला है। बस रॉक को देखो घूम रहे आगे पीछे, क्या लाए करके। तो एक तो हमने इंडक्शन भी लिया ना इस बार, जिसके उससे भी हो गया। अभी सामान दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया। इतना भी कुछ खास नहीं लिया, तो ये है सामान बस। और उस बैग में होगा थोड़ा सा। ये टिफ़िन भी मैं लेके आई गरम वाला, ताकि मैं टिफ़िन ले जा सकूँ। इसमें गरम रहेगा ना खाना। शैम्पू तो आया है, ये है ना, ये मेरा है। डव वाले को हाथ मत लगाइए तू। ये टॉफी में, टॉफी सी का करूंगा। ये अंकित के लिए है, ये भी अंकित के लिए। मैं एक पीऊंगा हैंड वॉश। कॉफी भी तुम्हारे लिए। हां, ये कॉफी भी इसके लिए। डिटॉल भी दे दे यार, तू ही रहता है। तू डिटॉल, ये तो मैं भी लगाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। ये तो मिल गया। ये मम्मी, ये अजवाइन, ये मिल गया, ये मिल गया। ये दे दो शैम्पू खाने वाले हैं। ये भी मिल गया। बॉर्नविटा है, डब्बा सस्ता मिल रहा था यार मम्मी, 10-20 रुपए। एक लीटर का, एक केजी का। ये वो एक इतने का था, पता है आपको, गोल्ड वाला। हाँ हाँ, तभी मैंने ये दो लेके आई। मैंने कहा वो आधा आधा केजी का दो लेने से अच्छा ये एक केजी का दो ले लो, सेम रेट का। न्यू ईयर में हम इंडक्शन लेने वाले थे बट गाँव चले गए थे, तो अभी ले लिया। फिर हमने न्यू ईयर की एक शॉपिंग हुई हमारी। सो गाइस, अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। इतने सारे दिन के बर्तन पड़ रखे हैं, देखो बताओ, मेरे लिए छोड़ रखा है सारे बर्तन मेरे लिए छोड़ रखे हैं। वहाँ से आके मुझे करना पड़ा। देखो 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 क्या कर रही है मम्मी की तरह। क्या कर रहे हो आप? अभी कैंटीन से आई, कपड़े चेंज कर रही हूँ और ये वीडियो बनाने के लिए बर्तन। अच्छा, कुछ भी। मम्मी मुझे कह रही तूने वीडियो बनाएगा तो मैं ऐसा कहूंगी कि तू वीडियो बनाने के लिए बर्तन धो रही है, बताओ। सब करती हूँ मैं, करती हूँ। भाई धोता है बर्तन, का है फिर भाई? हाँ, तूने बोल दिया होगा मैं धुलाऊंगी करके, इसलिए नहीं धोया उसने, नहीं तो धोता। अच्छा, कुछ भी। तो ये इतना ठंडा हो रहा है। मम्मी पापा के सॉक्स पहन दिए आर्मी वाले, डबल तीर वाली। एक सॉक्स भी पहन डाल रखे, दो सॉक्स पहन रखे। क्या करें फिर, इतना ठंडा हो रहा है, गजब पहाड़ में, गजब ही ठंडा हो रहा है यार। तो हमने इंडक्शन यहाँ लगा रखा है क्योंकि जगह तो हो ही नहीं रही है, तो इसलिए इंडक्शन हमने यहाँ लगा दिया। और यहाँ पे जो हो रखे थे वो हमने यहाँ रख दिया। सो गाइस, अभी हो रही है मम्मी की तैयारी आग जलाने की। सो आज हम अंगेठी में आग जलाने वाले हैं। आज हम कहाँ कहाँ से ढूंढ के लकड़ी लाए। आज हम सगड़ में, सगड़ बोलते हैं इसको, हमारे सगड़ कहते हैं, आग जलाते हैं। हाहा, बहुत दिनों बाद हम आग जला रहे हैं, ऐसे आग सेकेंगे। तू भी रुक जा थोड़ी देर, कहाँ जा रहा है? आग सेक के जाएगा, मम्मी आग जला रही। देखो मम्मी की हो गई है, थोड़ा लकड़ी, थोड़े पेपर, थोड़ी लकड़ी, थोड़े पेपर, इसके थ्रू आग जलना शुरू हो गया है। क्योंकि हमारे पास चूल्हा तो है नहीं आग जलाने के लिए, मिट्टी तेल की भी कमी हो रही है। तो पेपर, थोड़ा पेपर से आग सुलझेगी तो उसके बाद फिर आग अपने आप ही लग जाएगी। क्या रहे, कॉफी पिया तो चक्कर आ रहा है? हाँ, सोच रहे हैं किसी समय हम भी चस्का लगाए कॉफी का। हाँ वही तो। और ये देखो तो पानी में डाल के पी रहे, भगा भग हो रही है क्यों इसकी? वही तो। कहाँ जा रहे हो तुम? जली गया है बस। हाय हाय, इसमें बैठ के तो और ठंडी हो रही है।
हीटर लगा के रखी है कौन सा तू? ऐसे थोड़ी नया फोन नहीं ले लिया? हाँ वो तो है, क्या नया फोन नहीं ले लिया? आईफोन दिला रहा है तो दिला दे। बोलो आईफोन दिला नहीं सकते और नए फोन की बात करते हैं। रॉकी भी भाग रहा है देखो तू। राकू बच्चा मेरे पास ही आ रहा है, मुझे पता है मेरे पास। सो गाइस ये ऑलमोस्ट बुझ गया है, मम्मी फू कर रही है, अभी ख़त्म होने ही वाला है और अंधेरा भी हो ही गया है लगभग बस। तो मम्मी मेरे व्लॉग्स देख रही है, भाई मेरे व्लॉग्स देखा करो। ओके कैसे देख रहे हैं, अंधेरा हो गया है लगभग बस, सबकी लाइट्स खुल गई हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर के अंदर आ गई क्योंकि मम्मी कह रही है कि चाय बना दे भाई, मेरी बीटू चाय बना दे, ऐसा बोल रही है मम्मी। और तो बनाना तो पड़ेगा, बाप रे मुँह लाल हो गया है गर्म से, है ना? मुझे लग रहा है आपको भी लगा, गाल लाल हो गए। तो चाय बना देते हैं और आग सीखते सीखते चाय पियो तो है इतने मजा आते हैं ना सीखते सीखते। तो मैं चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस चाय बन गया है लेकिन आग भी बुझ गई है तो कोई फायदा नहीं हुआ। सो अब बारी है चाय पीने की, गुड़ वाली चाय पीने की। सो गुड़ गर्म होता है तो ठंडियों में गुड़ खाना चाहिए चीनी की जगह। सो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया उसमें शेयर कर दीजिए अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो। और अगर नहीं आ रही है तो मुझे बताना कि कहीं बोर वगैरह तो नहीं हो रहा, क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं ट्राई कर रही हूँ तो मैं सब कुछ दिखा सकूँ थोड़ा थोड़ा करके, बट कभी कभी हो जाता है। रेगुलर हर रोज़ इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं निकलती, मतलब हर रोज़ ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग घर में तीन ही लोग हैं, मेरा डुगू है। सो इतनी सारी कंटेंट नहीं बन पाता, इतना सारा हंसी मजाक मतलब नहीं हो पाता जैसे गांव में होता है, जैसे फैमिली के साथ होता है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप व्लॉग पसंद आया होगा आपको। कल मिलते हैं, बाय बाय।